जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प अब रक्षा क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय भी सेना की जरूरतों में शामिल हथियारों, तकनीकों, उपकरणों को लेकर आत्मनिर्भर हो रहा है और इसी बीच एक बड़ी और उपलब्धि रक्षा के क्षेत्र में हासिल की गई है। दरअसल स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ तेजस फाइटर जेट ने सफल उड़ान भरी, जिसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्रालय ने दी है। दरअसल तेजस MK1A फाइटर जेट के प्रोटोटाइप प्लेन में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी कि DFCC को लगाया गया और इसके बाद तेजस MK1 का 19 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि DFCC का साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल हटाकर उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस लगा देना, यानी बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के हाथ में चली जाती है और विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखता है। दरअसल इस सिस्टम की वजह से रडार, एलिवेटर, एलिरोन, फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिकली होता है। फ्लाई बाय वायर कुल मिलाकर फाइटर जेट को एक आत्म संतुलन देता है, स्टेबलाइज करता है, यह विमान को ज्यादा सुरक्षित बनाता है। तेजस MK1 फाइटर जेट के लिए स्वदेशी DFCC को बेंगलुरु स्थित ADE ने विकसित किया है। दरअसल DFCC में क्वाड्राप्लेक्स पावर PC आधारित प्रोसेसर, हाई स्पीड ऑटोनोमस स्टेट मशीन आधारित IO नियंत्रक, एडवांस कंप्यूटेशनल थ्रूपुट और DO-178C Level A सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप जटिल ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर शामिल है। हालांकि वहीं अगर बात करें तो टेस्ट फ्लाइट में सभी महत्वपूर्ण मानक और प्रदर्शन संतोषजनक पाए गए। पहली उड़ान का संचालन राष्ट्रीय उड़ान परीक्षण केंद्र के विंग कमांडर सिद्धार्थ सिंह KMJ ने किया। भारतीय वायुसेना पहले से ही तेजस MK1A का संचालन कर चुकी है। दरअसल विमान के एडवांस वेरिएंट तेजस MK1A में एडवांस मिशन कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी कि DFCC, MK1A स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार, एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शूट आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि यह फाइटर जेट वैसे तो तेजस MK1 की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बदल दी गई हैं। जैसे इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, एडवांस AESA रडार, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रडार वार्निंग रिसीवर लगा है। इसके अलावा इसमें बाहर से ECM पोर्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज्ञान अंडरस्टैंडिंग शो को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।